गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन एक षटकर्म की क्रिया है, ये धौती क्रिया के अंदर आती है। जैसे षटकर्म में नेति, धौती, बस्ती, फिर त्राटक, नौली, कपालभाति, ये सब जो क्रिया है हठयोग के अंदर, उसमें धोती के अंदर में षटकर्म के अंदर जो धोती है, धोती के अंदर में शंख प्रक्षालन ये क्रिया आती है। तो शंख यानी शंख मीन्स शेल, कॉन्च। तो इधर शंख बोला गया है हमारे पेट के अंदर की संरचना को, हमारी इंटेस्टाइन है, जिसमें शंख के समान कर्व है। यानी 30-32 फीट की इंटेस्टाइन नेचर ने इसके अंदर फिट की है भगवान ने। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो टोटल ये 30-32 फीट की इंटेस्टाइन है जो इसके अंदर फिट है, और वो पूरी कर्वी है जैसा अपना शंख होता है। और प्रक्षालन मीन्स क्लिनिंग, उसका प्यूरिफिकेशन। तो शंख प्रक्षालन जो किया है वो इस पहली बार तो किसी एक्सपीरियंस योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करना चाहिए। बाद में आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप घर पे भी कर सकते हो। इसके पहले हमने 3 बार की है, योग ग्राम में कराया जाता है, हरिद्वार में जो योग ग्राम है बहुत बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर है, फिर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में भी कराया जाता है शंख प्रक्षालन की क्रिया है। तो आज हम उसके बेनिफिट जानेंगे, उसमें सावधानियाँ क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और कैसे करना है, और मैं भी करूँगा आज। मेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है। यानी इसमें क्या है, आप पानी पीते हो, पानी में नमक मिला हुआ है ताकि वो अच्छे से क्लीन करे, साथ में नींबू यूज़ कर सकते हो या आंवला यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने आंवले का पानी बनाया, थोड़ा गुनगुना पानी है, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा गुनगुना पानी है। तो पानी पीना है आपको, कुछ शंख प्रक्षालन के आसन करना है। वो आसन इसके लिए कि पानी को वो आगे ढकेलते हैं, तो जैसे जैसे पानी आगे जाएगा वो प्रेशर बनेगा और आपको फिर टॉयलेट में जाके पहले शुरू शुरू में स्टूल निकलेगा, फिर क्लाउडी वाटर, और फिर जैसा पानी आप पीते हो वैसा ही पानी बाहर निकलता है। तो इसमें आपका जो एलिमेंटरी कैनल है फ्रॉम माउथ टू एनस, उसकी क्लीनिंग हो जाती है, वो पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्लीनिंग बोलते हैं इसको, या फिर हाइड्रोलिक पावर डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसमें पूरी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हम अपनी बॉडी को, अलग अलग नाम से फिर लोग अलग अलग प्रचार करते हैं, फिर इसके रेट लगाए जाते हैं, 10,000-15,000 तक लोग लेते हैं इसको कराने का। पर ये बहुत साधारण क्रिया है। पहले जैसे इसका शायद हम लोग आगे कैंप भी रखे, पर इसके लिए टॉयलेट की, जैसे अगर 20 लोग हैं तो कम से कम 10 टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए ताकि ये आसानी से हो जाए, कोई किसी को प्रॉब्लम ना। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो तो इसका कैंप भी रख सकते हैं, या चार्जेबल बेसिस पर। नॉर्मली हमारे सारे कैंप जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो इसका कैंप चार्जेबल बेसिस पे भी रखते हैं। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप कॉल करके अपना नंबर दे सकते हैं या कमेंट में नीचे आप बता सकते हो। तो शंख प्रक्षालन इसमें मैंने आयुर्वेद में इसको कायाकल्प, पूरा कंप्लीट जो प्यूरिफिकेशन है कायाकल्प है वो हो जाता है इसका। जो हठयोग में भी इसका उल्लेख है, फिर घेरड़ संहिता में इसका उल्लेख है, फिर महर्षि वाग्भट ने भी इसको विस्तृत रूप से बताया है। शंख प्रक्षालन वैसे तो लगभग सभी बीमारियों पे बहुत अच्छा असर करता है, पर ज़्यादातर डायबिटीज, अर्थराइटिस, स्टमक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में बहुत अच्छी तरह से प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी कुछ कुछ तो हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे अनपेक्षित प्रभाव भी इसके मिलते हैं, क्योंकि एक बार जब आपका बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है तो फिर बॉडी आपकी फिर से रिसेट हो जाती है, पूरी रिफॉर्म हो जाती है, रिसेट हो जाती है। और बॉडी रिसेट करके फिर से अपने आप को प्यूरीफाई करके, रिसेट करके फिर से एडजस्ट करती है। तो जैसे हम रिस्टार्ट करते हैं मोबाइल हैंग होने के बाद, वैसे ये हम
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ओवरहॉलिंग है, सर्विसिंग है हमारे सिस्टम की। हम कार लेते हैं, कोई भी मशीनरी लेते हैं, तो उसकी ईयरली, थ्री मंथली, क्वार्टरली सर्विसिंग कराते हैं। पर ये इतनी अच्छी मशीन भगवान ने दी है हमको, ये तो बहुत ही जोरदार है। यानी हमारा लीवर 500 प्रकार के एंजाइम बनाता है, इंटेस्टाइन सब एंजाइम्स के जरिए जो हम खाना खाते हैं उसको अलग अलग इसमें डिवाइड करता है, फिर उसमें से जो जो जरूरी चीजें है वो एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। यानी वेस्ट मैनेजमेंट है इधर, एब्जॉर्प्शन है, फिर जहाँ जहाँ जो जो चीज चाहिए वहाँ पे सप्लाई है। यानी इस एंजाइम्स के लिए सारे एंजाइम्स तो हम बना भी नहीं पाएंगे फैक्ट्रीज में, पर साधारणतः प्रोटीन, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की अगर फैक्ट्री डालना पड़े जो हमारे बॉडी में बनती है, तो कई किलोमीटर तो हमको जगह लगेगी, कई उसमें वर्कर लगेंगे, कई करोड़ों की मशीन लगेगी। तो भगवान ने इतनी अच्छी मशीन दी है, उसका हम ओवरहॉलिंग के बारे में कभी सोचते नहीं है सर्विसिंग के बाद। तो ये सिस्टम का पूरा ओवरहॉलिंग हो जाता है। चलिए आगे और विस्तृत जानकारी देते जाएंगे, जैसे जैसे इसमें आसन करते जाएंगे। इसमें कुछ सावधानियां भी है, इसमें कुछ यानी इसकी तैयारी एक दिन पहले से हो जाती है। जैसे शाम को हमने सिर्फ हल्का खाना या पपीता ले लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, ताकि सवेरे आपका अच्छे से हो जाए। कल मेरा तो पूरा उपास ही था, सिर्फ पानी पे उपास। यानी साबूदाना खाओ, पूड़िया बना बना के खाओ, शेंगदाने का हलवा खाओ, ऐसा उपास नहीं। उपास यानी उपास आपको हफ्ते में एक दिन करना चाहिए, और वो सिर्फ पानी पे या ज्यादा ज्यादा फलों का रस ले सकते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव उपास। तो शाम को फिर भी हमने हल्की खिचड़ी खाया। और तो मेरा तो वैसे भी, मैंने जब पिछली बार दो तीन बार किया है, तो मेरा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है शंख प्रस्कारण, और बहुत जल्दी यानी पानी निकल, जैसा पानी पिया वैसा पानी यानी क्लीन हो गया, उसके बाद विश्राम करना है। इसमें पहले दिन फिर ये क्रिया होने के बाद एक बार कुंजन क्रिया कर लेते हैं, फिर नेति करना है तो नेति भी कर लेते हैं, जल नेति। और ये जरूरी चीज़ें नहीं है, शंख प्रस्कारण के बाद कुंजन क्रिया करने से, कुंजन क्रिया में 4-5 गिलास पानी पिया जाता है और फिर उसका वोमिटिंग की जाती है। ये दो उंगली अंदर डाली कि जल्दी से वो बाहर आ जाता है, तो उसमें जो पानी कुछ अंदर जमा है वो भी उससे बाहर आ जाता है। और थोड़ा बहुत पानी अंदर रह भी गया तो घबराने वाली बात नहीं है, उसके बाद यूरिन के जरिए वो बाहर निकल जाएंगे। फिर इसके बाद शवासन किया जाता है और 1-1.5 घंटे बाद खिचड़ी खाई जाती है। खिचड़ी यानी चावल और मूंग समान मात्रा में, और उसमें डाला जाता है घी। घी आप अच्छे से खा लीजिए 100-1 ग्राम, क्योंकि आपका जो लुब्रिकेशन है वो भी निकल जाता है, इसके साथ फ्लश हो जाता है, तो घी उसको लुब्रिकेट करता है वापस से। तो घी आप 1.5 पाव तक भी खा सकते हैं। तो खिचड़ी खाइए, उसके बाद फिर से आज आपको दिन भर विश्राम करना होता है, कोई फिजिकल और मेंटल एग्जर्शन नहीं होना चाहिए, तो ये प्रिकॉशन के साथ करना है। फिर खिचड़ी खाने के बाद आपको 2-3 घंटे कोशिश करना है पानी ना पिए, दिन भर ठंडा गर्म कुछ भी नहीं करना है, जो एम्बियंट टेम्परेचर में है वही चीज़ें लेनी है आपको। खिचड़ी खाने के 2-3 घंटे बाद आप कोशिश करें कि पानी ना पिए, उसके बाद ही पानी पिए। फिर आप 6-7 घंटे बाद भूख लगी तो फिर से आप खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं। योगग्राम में जब हमने ये किया था तो हमको तो इसके बाद खिचड़ी खिलाई थी, उसके बाद 4 दिन तक वो भूखा रहा, सिर्फ लेमन हनी वाटर दिया था 4 दिन, और मस्त यानी पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। सिर्फ जाते वक्त आखिरी दिन हमको थोड़ा भोजन मिला था वहाँ पे, फिर 4 दिन उपवास के बाद वो धीरे से फलाहार खिलाते हैं और फिर थोड़ा सा भोजन देते हैं, जो कि बहुत सही तरीका है। तो इसमें सिर्फ जिसको पेट के अंदर कोई जख्म है, हर्निया है बहुत बड़ा हुआ, या अल्सर है, बहुत ज़्यादा हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, तो उनको सावधानी बरतना है, उनको ये करना नहीं है। बीपी, अब इसमें नमक और आंवले का या नींबू का पानी यूज़ कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो नमक नहीं डालते, सिर्फ नींबू का पानी या आंवले का पानी। फिर अगर वात रोग है, कफ रोग है, तो नींबू न डाल के सिर्फ नमक का पानी।
शायद तो सावधानियाँ यही है कि इसके बाद आपको 3 दिन दूध और दूध के आइटम नहीं खाना है, दूध दही छाछ कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ घी चलेगा। घी भी अभी जो पहली मील लोगे आप उसमें घी पर्याप्त मात्रा में डालिए, उसके बाद घी कम कर दीजिए। लगभग हफ्ते भर आपको जो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए ऐसे ही फूड खाना है, तेज मसालों का खाना नहीं खाना है, फिर तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अम्लीय पदार्थ शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है, फिर आपको नॉनवेज नहीं खाना है, उससे दूर रहना है। कुछ कुछ भाई लोगों को हमने देखा है कि ये क्रिया करने के बाद उनको कुछ गलत डालने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि इसे हमारे ग्रंथों में भगवानों की नगरी अयोध्या कहा गया है। अष्टचक्र नौ द्वार, अष्टचक्र से भरा हुआ यह शरीर, नौ द्वार है जिसमें, अष्टचक्र नौ द्वारा देवा नामपुर अयोध्या, इसको अयोध्या। तो जब इतना अच्छा ये हमारा देह नहीं देवालय, तो ये देवालय में क्यों कचरा डाले? अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, इतनी अच्छी मशीन अंदर फिट की है भगवान ने, उसको हमारा काम है उसको स्वस्थ रखना। अगर हम उसको बीमार करते हैं तो हम भगवान के दिए हुए वरदान को एक उसको बराबर रख नहीं पा रहे, तो फिर भगवान नेचर या भगवान आप जो भी कहो वो फिर कैसे आगे हमें कुछ दे। तो चलिए हमेशा की तरह प्रार्थनाओं के साथ शुरुआत करते हैं ताकि हमारी ये क्रिया पूरी तरह से सफल हो। चलिए ओंकार के साथ शुरुआत करेंगे। ये क्रिया के बाद स्नान वगैरह करना मना है, तो ठंडे पानी से गर्म पानी से तो स्नान आदि करके सुबह की आप रूटीन अपने हिसाब से करिए। रोज सवेरे आप खाली पेट पानी पीते हैं, पानी पीजिए, फिर टॉयलेट जाना है टॉयलेट जाइए, अगर टॉयलेट साफ नहीं भी हो रही तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और फिर स्नान आदि करके आप ये क्रिया की सुबह जल्दी शुरुआत करें, तो एक बार में आप 3 गिलास 4 गिलास जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। और पानी पीने का सही पोस्चर है कागासन। तो कागासन यानी ये ऐसे बैठ के, जैसे हम यही अभी ऐसे बैठ के पानी पीना है कागासन। अगर घुटनों की तकलीफ है तो किसी चौकी में बैठ के पी सकते हैं, कोई कुर्सी पे भी बैठ के पी सकते हैं। प्रोपोज, ये प्रोपोज ज्यादा उपयोगी है। तो मुझे तो पानी पीने का अच्छा अभ्यास है, तो मैं 4 गिलास पानी पी लूंगा। पानी थोड़ा गर्म है, पीने लायक बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा। पानी ना एकदम धीरे धीरे पीना है ना एकदम पास।
ज्यादा अगर कमजोरी है तो उनसे भी ये कराया नहीं जाता। वीक मोशन हो रहे हैं महिलाओं को, तो पीरियड है तो उस समय नहीं कराया जाता। अगर कोई दो गिलास पी सके तो दो ही पी, ऐसा जरूरी नहीं है एक साथ सब पीना, अपने अपने अभ्यास के ऊपर डिपेंड है। पानी पीते पीते आपको गैसेस निकलेंगी, डकारें निकलेंगी, तो स्वाभाविक है। पानी पी लिया, पानी पी के खड़े हो जाएंगे। अब ये पानी को हमको नीचे ढकेलना है ताकि ये क्लीन करते हुए आगे बढ़े। तो उससे कुछ आसन है शंख पश्चात। तो पहला है ताड़ा, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लिए, श्वास अंदर भरते ऊपर खींचे, ये सारे वॉल खोल देगा और पानी को आगे जाने में हेल्प करेगा। ऐसे कम से कम चार चार बार। धीरे से वापस धीरे से फिर त्रियक का आसन, उसमें पैरों को फैला देते हैं, दोनों हाथों में इंटरलॉक करते हैं, श्वास अंदर बढ़ते झुकेंगे। चार चार बार करना है। दोनों तरफ से चार चार बार कम से कम करना है। सब जगह हमारे इंटेस्टाइन में मरोड़े है, कर्व है, जैसे शंख में कर्व होते हैं शेल में, तो उसमें जब हम पानी डालते हैं सफाई के लिए तो उसको ऐसा हिलाना पड़ेगा ताकि वो आखिरी तक जाए, और फिर उसके अंदर अगर काई वगैरह जमी है तो उसको जोर जोर से हिलाना पड़ेगा। तो इसमें हम पानी को आगे ढकेल रहे हैं ताकि आप एक पाइप लीजिए 30-32 फुट और छोटी सी जगह पे आप उसको एडजस्ट करिए गोल घुमा दिए, कि उसमें से आप पानी भी डालोगे तो पानी बराबर निकलेगा। यहाँ से तो हम सॉलिड भी डालते हैं बहुत सा, फिर वो बरसों बरसों का जमा हुआ उसमें जमा हो जाता है, बरसों से कुछ मैदा है, कुछ क्या क्या हम गलत गलत चीजें खा रहे हैं, तो उसको सबको फ्लश करना है, तो उसके लिए ये सब किया है। फिर अगला है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दो अभ्यास करते हैं, एक तो हाथ सीधा रख के श्वास अंदर लेके घूमना है,
श्राप का भार छोड़ के वापस वीर श्राप अंदर शानदार। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, ये हाथ कंधे पे चले जाता है, ये हाथ पीछे जाता है ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से करना है, ऐसे करते रहना, रुकना नहीं है, कम से कम चार चार बार करते करते ही प्रेशर बनेगा। और एक बार शुरू हो गया तो फिर रुकेगा नहीं, फिर आखिरी आखिरी में तो पानी पीने पिया और भरना पड़ता है। चलिए तीन अभ्यास हुए, फिर चौथा अभ्यास है लेट के क्रिया भुजंग आसन का। क्रिया भुजंग आसन में दोनों पैरों के बीच में फासला लेंगे, दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ रहेंगे, ऊपर उठ के राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट एड़ी को देखना है, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर श्वास अंदर भर के फिर अगला है शंख आसन, उदर आकर्षण आसन। इसमें ऐसे क्रो पोज में बैठते हैं, राइट पैर को लेफ्ट की तरफ रखे लेंगे, लेफ्ट को ऐसे प्रेशर देके श्वास अंदर भरते पीछे घूमेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे तरफ से करेंगे, फिर से इसके बाद तेज हवा में भी नहीं जाते, तेज धूप तेज हवा नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे रहना है। अगर बारिश हो रही हो बदली हो उस समय क्रिया नहीं की जाती है।
ऐसे आसन करते करते प्रेशर बनने लगे, फिर ये आसन प्रेशर नहीं भी बन रहा है तो आप पानी में पी लीजिए, थोड़ी देर बाद रुकना नहीं है। अच्छा स्थिर कर लाख लेना है, मुझे लगता है ये नींबू का पानी तो इसमें स्थिर कर लाख लेना चाहिए। पानी पियेंगे और फिर से शुरू हो जाएंगे। अगर उल्टी सामान लगता हो किसी को तो ऐसा वापस शुरू कर दो। टॉयलेट से आए और फिर से पानी पीना है, ऐसे हो सकता है आपको 12-16 गिलास तक पानी पीना पड़े और 6-8 बार आपको टॉयलेट जाना पड़े। आसन करते रहना,
में ताकत नहीं रहा, ये करते करते ही प्रेशर बन गया। अगर उल्टी सामान लग रहा है तो लेटने वाला ये इसलिए मुझे आसन नहीं करना। विश्राम नहीं करना है, करते रहेंगे, पानी आगे बढ़ते रहेगा, पूरी बॉडी फ्लश हो जाएगी। आखिरी आखिरी में तो आसन करने के पहले वाले तिल जाना होगा।
चले अभी जाके आना पड़ेगा एक बार। चलिए फिर से पानी पीते हैं, पानी लगातार पीने पीते रहना है। 6 से 8 बार जब हम टॉयलेट चले जाते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है, कम से कम 6 बार। पानी पीते रहना है, आसन करते रहना है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत लाभकारी है और ये होने के बाद शरीर इंटेस्टाइन एकदम बच्चे की इंटेस्टाइन समान हो जाएगी, इसलिए 6-7 दिन बहुत केयर लेना है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के बाद केयर ली जाती है वैसे केयर लेना है। पूरी सफाई करते हैं, श्वास अंदर लेके घूमना। चलिए और पानी पियेंगे। देखिए कल उपवास रखा था तो पेट में कुछ था ही नहीं, तो अभी से पानी निकलना चालू हो गया, तो बस एक दो बार में मेरा शाम पश्चकरण पूरा हो गया, पानी भी खत्म हो गया है और पानी लाना पड़ेगा। और फिर ऐसे फोर्स से पानी निकलने लगता है, पूरा साफ सफाई कर देता है, शरीर एकदम हल्का हो जाता है, खून के मापी।
पूरा भरा हुआ था लगभग, तो 4 लीटर का, ये 4 लीटर से ज्यादा इसमें पानी। अगर सावधानियां नहीं बरत पाए, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल कुछ स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, 6-7 दिन आपको सादा खाना खाना है, तला भुना मसालेदार होटल का या नॉन वेज वगैरह तंबाकू वगैरह नहीं खाना है, अगर इस सब को आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आसन करेंगे, अभी तो आसन करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही प्रेशर बन रहा बीमारी में इसका लाभ है। स्वस्थ आदमी को साल में 1 से 2 बार जरूर करना है, और अगर आपको सोरायसिस है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस ज्यादा है, तो आप 40-50 दिन में इसको रिपीट करें। चौथी बात, चलिए तो हमारा तो 4 बार में जैसा पानी पी रहे हैं वैसा पानी नहीं कर रहे, फिर भी एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि कल उपवास रखा था उसकी वजह से ये क्लीनिंग जल्दी होगी। साधारणतः इसको 6 से 8 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, 6 से 8 बार में आपका हो जाएगा। और अपने दिमाग को पॉजिटिव मोड में रखना चाहिए कि नहीं, सक्सेसफुल होने वाला है, प्रेशर आ रहा है, तो ये सब बातें जो है हम जो सोचते हैं उसके ऊपर, हमारी थिंकिंग के ऊपर जुड़ी हुई है बहुत सी बात। तो आप पॉजिटिव सोचोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए एक बार और कर लेते हैं, प्रेफरेबली इसमें रॉक सॉल्ट डाल, अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो आप सादा नमक भी डाल सकते।
लावा आ रहा है। तो आज का शंत प्रक्षालन का प्रयोग सफल रहा, जैसा पानी पी रहे वैसा पानी कर रहा। अब क्योंकि कल का उपवास रखा था इसलिए जल्दी बनी, तो मैंने बताया आपको 6 से 8 बार आपको बाहर जाना पड़ेगा और बैठना नहीं है, लगातार आपको आसन करते रहना है, पानी पीते रहना है, उल्टी सामान लगे तो आप ताड़ासन में चलिए। और इसके बाद के जो ये है प्रिकॉशंस है वो बहुत जरूरी है, जैसे अभी पंखा चल रहा है तो अब ये तेज हवा में नहीं बैठना है, तेज धूप में नहीं जाना है, दूध या दूध के आइटम 3 दिन कम से कम नहीं खाना है, फिजिकल एग्जर्शन नहीं करना है। इसके बाद हम कुंजन क्रिया करेंगे, जल नीति करेंगे, उसके बाद शवासन में लेटेंगे। शवासन में सोना नहीं, देखिए हमारा दिमाग या तो सोता है या सोचता है, ये दोनों चीज से जो परे है वो है मेडिटेशन शवासन। तो शवासन में लेटना है आधा पौन घंटा, विश्राम देना है पूरे शरीर को, फिर खिचड़ी खा लेना है। आपको बताया चावल और मूंग की दाल समान अनुपात में, उसमें कम से कम 100 ग्राम आप घी डालें तो वो खिचड़ी खाए। गुड मॉर्निंग, लेट आए, सवा सात ब्रश हो गया मेरा। तो ये सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। खिचड़ी खाने के 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है और दिन भर रेस्ट करना है। आप मेडिटेशन करिए और हो सकता है तो मौन व्रत धारण करके रखिए, और भी ज्यादा लाभ मिलेंगे। फिर शाम को भी आप खिचड़ी खा लीजिए, 2-3 दिन आप बहुत ही सादा भोजन करिए, उसके बाद भी फल सब्जियां, कल से सब्जियां डालना चालू कर दीजिए, तौराई है, लौकी है, ऐसी सब्जियां खिचड़ी में डालिए 6-7 दिन। और उसके बाद भी कोशिश करिए कि आप सात्विक आहार लें तो आपकी बॉडी इंटेस्टाइन सब हैप्पी रहेंगे। सब हम जीभ के छोटे से पोर्शन को, आधा इंच के पोर्शन को खुश करने के लिए ये 35 फीट की जो इंटेस्टाइन है उसको नाराज करते हैं, क्योंकि स्वाद के लिए जीभ का सामने का जो आधे इंच से भी कम पोर्शन है वही लेता है। और उस स्वाद के चक्कर में पूरे शरीर पे हम अत्याचार करते हैं। तो अपने शरीर के जो इंटेस्टाइन है उसको हैप्पी रखिए, उसके लिए भोजन करें, ना कि छोटे से पार्ट के लिए। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर 2-3 दिन आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बहुत कठिन आसन नहीं करेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं आप ये टाइम यूटिलाइज, यानी ऐसा नहीं है आसन नहीं करना है तो सवेरे नहीं उठना है सोए पड़े, आप सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। अभी तो स्वामी जी भी रोज 4:45 बजे से मेडिटेशन ले रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अभी 4-5 दिन 6 दिन अपना ध्यान रखना है, और जो ये प्रिकॉशंस ले सकता है वही अभ्यास करें। लगता है मैंने सभी कुछ कवर किया, कुछ रह गया होगा तो आप स्वामी जी की वीडियो देखिए, डॉक्टर नागेंद्र नीरज को सुनिए, उनको 45 साल का एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी में, आंवला यूज करते हैं वो आंवले का पानी, नींबू का पानी यूज किया था, उसमें कॉपर यूज नहीं करना, मैंने पहले कॉपर का लोटा रखा था, आंवले का या नींबू का पानी ले रहे हैं तो कॉपर का बर्तन नहीं लेना है, स्टील के बर्तन से हम पिएंगे पानी। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी कुंजन क्रिया और जल नीति के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये देखा और ये आपको इसके प्रति आकर्षित करने के लिए था। पहला अभ्यास तो आप किसी एक्सपीरियंस योग शिक्षक के सानिध्य में ही करिए, और हो सके तो हम भी एक आधा कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।